हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। अब से गाइस, जो भी मेरा कंटेंट होगा उसकी क्वालिटी और भी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि मैंने लिया है अब कैनन का R6। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था कैमरा, जो भी मैं कैमरा इससे पहले यूज़ कर रहा था वो आप काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछते थे कि सर आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सबको बता देता हूँ कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। मैंने वैसे काफ़ी वीडियोस में पहले बताया भी है कि मैं कैनन का 6D Mark II यूज़ करता था, अब नहीं करता। मैंने वो कैमरा बेच दिया है और मैंने लिया है कैनन का R6। तो मैं DSLR से अब शिफ्ट हो चुका हूँ मिररलेस पे, तो इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी ज़्यादा अप है, क्योंकि ये कैमरा 4K वीडियो 60 फ्रेम पर सेकंड पर शूट कर सकता है, यानी कि 4K वीडियो स्लो मोशन काफ़ी हद तक हो सकती है। तो गाइज, इसके अलावा बात करें कि R6 मैंने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, तो वो सारी जानकारी आपको मेरे व्लॉगिंग चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस व्लॉग को देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो की मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको मज़ा आएगा सुन के। तो करते हैं फटाफट से इस कैमरा को अनबॉक्स और देखते हैं हमें क्या क्या कॉन्टेंट मिलता है इस बॉक्स के अंदर। जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात। वॉच, लर्न, एंजॉय। तो गाइज, अभी मेरे पास है R6 मॉडल, जो मैंने अभी सबसे लेटेस्ट कैमरा लिया है। सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करता हूँ। पैकेजिंग में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा R का लोगो, यहाँ पर है 1+1, यानी कि 2 साल की वारंटी है, दैट्स इट। और इस तरफ जो है गाइज, आपको देखने को मिलेगा R6 की ब्रांडिंग, और यहाँ पर जो है बना हुआ है कैमरा। और इस तरफ गाइज अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इम्पोर्टर की चिट, कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है और प्राइस वगैरह क्या है। खैर, पैकेजिंग इतनी मैटर नहीं करती, स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव लगती है, उसके बाद तो हमें इसे फेंकना ही पड़ता है, मतलब हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसके बाद गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे चैनल पर सबसे पहली अनबॉक्सिंग है, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर अप्रिशिएट करना, ताकि मैं ऐसी अनबॉक्सिंग और लाता रहूं। अब बात करते हैं इसके अंदर के कॉन्टेंट की, अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, R6 की किट अलग से नहीं आती, आपको सिर्फ बॉडी खरीदनी पड़ती है, और उसके साथ जो लेंस आपको लेना है वो आपकी मर्ज़ी होती है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कौन सा लेंस लेते हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या कॉन्टेंट मिलता है। तो गाइज, इसमें मिलते हैं कुछ पेपर वर्क। सबसे पहले आ जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है मैं नहीं पढ़ता, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मेरे को नहीं लगता इतना यूज़फुल होता है। बेसिकली इसमें सारा कुछ लिखा होता है कैसे कैमरा यूज़ करना और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो इसके अलावा है यहाँ पे एक इमेज कैनन करके कुछ पेपर है, जिसपे कुछ क्रिएटिव क्लाउड, मतलब बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम बताया कि ऑनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे, पूरा क्रिएटिव क्लाउड का सिस्टम है। मैंने ज़्यादा इसको नहीं रीड करा, ना ही मैं करता हूँ। इसके अलावा है कैनन इमेज अकेडमी, खैर ये भी मेरे को यूज़लेस सा ही लग रहा है, मैटर नहीं करता। हाँ, ये है फिल्टर, मैं अपने 24-105 जो लेंस है, जिसकी मैं अभी इसके बाद अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके लिए लाया हूँ। तो ये मैंने अलग से परचेज़ किया है, परचेज़ भी क्या किया, उन्होंने मुझे फ्री दिया, बट हो सकता है आपको दे भी दे, हो सकता है ना भी दे, तो मेरे को फ्री में मिला है ओसाका का फिल्टर, ये बॉक्स के अंदर नहीं आता, इसको अब साइड में रखते हैं। इसके अलावा गाइज, ये है बैटरी की पैकेजिंग, मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है, मैं आपको दिखाया, सेम 6D Mark II जैसे पहले कैनन लेता आया है वैसे ही जो है सेम चार्जर है, कोई भी इसमें हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते। और आई होप इसमें जो चार्जिंग स्पीड है वो तेज़ होगी, हो बट मुझे नहीं लगता होगी, तो इसको भी करते हैं साइड में। इसके अलावा है इसकी वायर, वायर में जो है सेम क्वालिटी है 6D Mark II वाली, सब कुछ सेम है, कुछ नया देखने को नहीं मिला चार्जर के अंदर। बट बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है, जैसे मैं पहले कैनन 6D Mark II यूज़ कर रहा था, तो 6D Mark II की बैटरी जैसे सेम दिखती है, बट इसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये कैमरा मिररलेस है, तो इसमें बैटरी कैपेसिटी हमें ज़्यादा बढ़िया चाहिए होगी, तो बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा देर तक चलेगी। ये है गाइस बैटरी का कवर, इसके ऊपर जो है मैंने मुहूर्त करवाया था, तो ये चीज़ उस पर लगवा ली है। अब करते हैं आगे अनबॉक्सिंग, तो अब आती है मेन चीज़, जहाँ पे मेन पैसा लगा हुआ है। तो अब हमें मिलता है इसमें कैनन R6 की बॉडी, और ये है इसके साथ में स्ट्रैप। तो ये है स्ट्रैप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें जितना महंगा कैमरा होता है उतनी इंपॉर्टेंट होती है उसकी सेफ्टी, तो ये स्ट्रैप ज़रूर लगाना, मैं ज़रूर यूज़ करूँगा, और अच्छा भी लगता है इसको लगाने पर। इसको लगाने पर गाइस शर्माना नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं शर्माते हैं कि हम इसको स्ट्रैप क्यों लगाएं, हम टिपिकल फोटोग्राफर लगते हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस, ये लगाना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट R6 की अनबॉक्सिंग। तो ये है R6, मैं इसको निकालता हूँ, और इसको निकालने के बाद मैं पहले बॉक्स साइड कर देता हूँ, फिर मैं आराम से आपको R6 दिखाता हूँ कैसा है। सो अब करते हैं फाइनली जो है R6 को अनबॉक्स। तो मैं करता हूँ इसे अनबॉक्स, यहाँ पे लगी हुई है चिट इसकी, तो इसको पहले करते हैं यहाँ से अनबॉक्सिंग। तो ये है गाइज R6, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट।
तो गाइज ये है R6, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कैसा है ये कैमरा। तो ये है R6, इस तरह का जो है, इसमें भी फ्लिप स्क्रीन है सेम 6D Mark II की तरह, और बट इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी कमाल के जो है इसकी ग्रिप लगी सेम 5D Mark IV जैसी। इसमें जो है जॉयस्टिक है और जो ओवरऑल मतलब बटन कंट्रोल्स हैं, जो ओवरऑल चीज़ है ना काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, मतलब बहुत ही अच्छी जो है क्वालिटी कह सकते हैं, और दिखने में कहते हैं ना इम्पैक्टफुल पावरफुल कैमरा जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये है ओवरऑल R6 की बॉडी, इसके बटन कंट्रोल्स और बाकी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा जब मैं इसका प्रॉपर हैंड्स ऑन करूँगा, बट अनबॉक्सिंग के हिसाब से जो है काफ़ी है इतना आपको कंटेंट दिखाना कि आपको क्या क्या मिलता है बॉक्स में। अब मैं करता हूँ इसके 24-105 लेंस की अनबॉक्सिंग और देखते हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब करते हैं गाइस RF 24-105 लेंस की अनबॉक्सिंग। तो इस तरफ जो है पूरा ब्रांडिंग और इम्पोर्टर की चिट लगी हुई है, और इस तरफ आपको मिलता है RF का लोगो, मतलब लोगो के साथ कौन सा लेंस है उसकी फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे है 24-105 F4 LIS USM इसकी डिटेल लिखी हुई है, और इस तरफ जो है मैंने स्वास्तिक का लोगो बनवाया क्योंकि खाली जगह थी, तो मैंने कहा पंडित जी को यहाँ पे बना दो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे सिर्फ कैनन का ब्रांडिंग है, और ऊपर की तरफ मैंने आपको दिखाई दिया है। अब करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग में गाइस सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ इस तरफ से। तो गाइस खोलते ही आपको सबसे पहले मिलता है एक यूज़र मैनुअल काइंड ऑफ थिंग, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल लिखी है, ये भी मैं नहीं पढ़ने वाला। ये है गाइस लेंस कवर, मैं इसको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या चीज़ है ऐसी। तो ये लेंस कवर है, लेंस को आप जब रखना चाहते हैं तो इसमें रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा केस है, लेंस केस है। मान लीजिए आप यूज़ नहीं कर रहे अपने लेंस को, बॉडी को अलग रखना चाहते हैं, तो इसमें आप लेंस को रख सकते हैं। मैं हल्का सा खोल के दिखाया तो आपको इस तरह से जो है ये कवर है जिसमें लेंस रखा जा सकता है। ये साथ में फ्री मिला है, मैंने इसके अलग से पैसे नहीं दिए हैं। अब इतने सारे पैसे दे के आए हो तो अलग से पैसे देने बनते भी नहीं है, तो इतना तो कंपनी का बनता है देना। तो इसके बाद अब खोलते हैं इसको, और ये है यहाँ पर हमारा लेंस। तो मैं निकालता हूँ लेंस को, काफ़ी जो है प्रीमियम पैकिंग कर रखी है, काफ़ी हैवी पैकिंग है। तो ये सबसे पहले निकाला है लेंस हुड, लेंस हुड को ओपन करते हैं। तो ये जो नया कैमरा या नई भी चीज़ कोई लेते हैं ना, उसको अनबॉक्सिंग करने की जो फील होती है उसकी गाइस बात ही अलग होती है। आप मानते हो नहीं मानते इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है जब आप कोई नई चीज़ लेके आता हो तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हो। तो मैं थोड़ा सा फ्रेम और अच्छा कर दूँ, इसको साइड कर दूँ सारे सामान को। हाँ, तो अब ये है लेंस हुड जो साथ में मिला, सेम कैनन 6D Mark II जैसा ही है ये भी। और ये है यहाँ पर लेंस हमारा जो है सबसे प्रीशियस। हालांकि इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, तो मैं बॉक्स को अब साइड कर रहा हूँ और लेंस को देखते हैं, लेंस को डिटेल में समझते हैं हमें क्या क्या लेंस में देखने को मिलता है। तो ये है हमारा लेंस, इसको करते हैं अनबॉक्स। तो लेंस हमें मिलता है कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छा लेंस है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके आपको आइडिया होगा। अब इस लेंस में नया क्या आया है, RF लेंस और EF लेंसेज में फ़र्क क्या है। ये लेंस में गाइस आपको मिलेंगी 3 रिंग, 1, 2, 3। ये है जूम रिंग, ये है मैनुअल फोकस करने की रिंग, और ये है आप इसमें अपनी तरफ से कोई भी कस्टम चीज़ डाल सकते हैं। मान लीजिए आप ISO सेट करते हैं या फिर शटर स्पीड सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है इसमें दे रखी है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पे ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन दिया हुआ है, और इस तरफ है स्टेबलाइजर का, अगर आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप वीडियो शूट करें तो आप स्टेबलाइजेशन ऑन करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। वैसे R6 में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है, तो वो बहुत ही कमाल का है। तो जब बात आती है लेंस और बॉडी दोनों में स्टेबलाइजेशन है, तो फिर इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो अब करते हैं इसको यहाँ से ओपन। तो ये है यहाँ पर इस तरह से हमारा लेंस। तो गाइज ये है ओवरऑल 24-105 की अनबॉक्सिंग। तो गाइज अनबॉक्सिंग तो कर ली हमने इस कैमरा की और लेंस की, अब बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग चीज की जो मैं आपको बताने वाला था। तो गाइज अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो शूट हो रही है कैनन के R6 पे। मैंने कोई भी माइक यूज नहीं किया, डायरेक्टली जो ऑडियो और वीडियो है स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा है, कोई कलर ग्रेडिंग कोई कुछ नहीं। रेजोल्यूशन है फुल HD वीडियो पर, और फ्रेम रेट है 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। तो अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हो एक तरह से ये सैंपल ही है कैनन का R6 का। तो आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि ये किट लेंस है 24-105, तो इसमें बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा नहीं होता। मैं इसका 35mm RF सीरीज लेंस लेने की सोच रहा हूँ। इसके अलावा गाइस एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि पहले वाले कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी तो आपने अपग्रेड क्यों किया। तो गाइस वो कैमरा वीडियो के हिसाब से अच्छा था, पर इतना अच्छा नहीं था जितना अब आ रहे हैं। तो मिररलेस की क्वालिटी की बात अलग हो जाती है, 4K है। दूसरा इसके अलावा गाइस अगर मैं ही अपडेट नहीं रहूँगा तो मैं आपको डेप्थ नॉलेज कैसे दे पाऊँगा चीज़ों की।
तो गाइज अब एक चीज आपने और बताने की इस कैमरा का हैंड जोन हो जाए, अगर आप चाहते हैं इसका हैंड जोन करना है तो वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं कि इसका हैंड जोन चाहिए, R6 का टेस्ट करें, R6 का 24105 जो है कैसा है, इन सब की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।